हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी, ये जो हमने कल का फूल बनाए थे, इसके किनारे हम लोग स्क्वायर कैसा बनाएंगे, ताकि अगर हम लोगों को सपोज़ तकिए का कवर बनाना हुआ या कोई शॉल वगैरह बनानी हुई, तो ये जो हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर कर के एक नया कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये जो फूल कल वाले बनाए थे ना, मैंने पुरानी वीडियो में जो अपलोड करी थी, उसके अंदर फर्स्ट टाइम में हमको 6 चेन लेनी है, उसके बाद में डायरेक्टली 3 बार लेंगे डबल क्रोशिए का। और जो दूसरा दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, जो दूसरे पंखुड़ी का बीच का है, उसमें डालेंगे और एक एक चेन को सिंगल सिंगल लेंगे। एक लिया, ये दो, तीन हो गया, वापस से इसको लॉक नहीं करेंगे, वापस से 3 बार लेंगे, एक, दो और ये 3, कंप्लीट हो गया। फिर एक बार और लेंगे, एक, दो और ये 3, अब इसको लॉक कर देंगे। फिर एक कड़ी लेंगे और एक सिंगल कड़ी और लेंगे, वापस से हम लोग 3 बार वापस लेंगे उसी के अंदर। एक ही चेन में 3 लेयर बनानी है, 3-3 चेन की 3 लेयर बनानी है। ये एक हो गई, अभी ये दूसरी, अभी इसको 3 हो गई, अभी इसको लॉक कर देंगे। फिर एक सिंगल कड़ी लेंगे, मैं आप लोग को जूम करके दिखा देती हूँ, क्लियरली फिर दिखाई देगा। वापस से उसी के अंदर लेंगे, एक चेन में 3 लेयर लेंगे, उसके बाद में उसके बाद वाली चेन में सिर्फ लॉक करेंगे। कभी कभी ऊन ना बीच में फंस जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अभी इसके बाद में अभी लॉक करेंगे, 3 6 कड़ी वापस बनाएंगे सिंगल कड़ी, और बीच में लॉक कर देंगे। अभी इसमें सिर्फ हमको लॉक करना है, इसमें नहीं बनाना है। हाँ, वापस से 6 कड़ी बनाएंगे और फिर वहाँ पे जाके 3 बनाएंगे, 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे वापस से 3 बनाएंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे चारों किनारे हमको कंप्लीट करना है। ये 1 2 बन गया, तीसरा बंच और बना, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया था, वापस से उसको बना रही हूँ। ये देखिए, अभी ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने लॉक करे थे यहाँ पे उसी को वापस से लॉक कर देना है लाके सिंगल कड़ी से। ये देखिए, चारों कॉर्नर्स पे 3-3 की लेयर बन गई, बीच बीच में हमने लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डबल क्रोशिया लेना है 3 बार, इनकेस अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। फिर यहाँ पे हमने 2 सिंगल कड़ी लिए और फिर यहाँ पे 3 लेयर में बनाए, सॉरी 3 लेयर नहीं बनाए, 3 डबल क्रोशिए लिए। अब यहाँ पे जो 3 है उसमें 2 बीच में जो है वहाँ पे लेना है, यहाँ पे भी 3 बार लेंगे, फिर 2 सिंगल कड़ी लेके वापस उसी में 3 बार बनाएंगे, 2 सिंगल कड़ी लिए वापस उसी में 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। सिंगल कड़ी लेके 3 बार कड़ी लेंगे और फिर उसके बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया।
वापस से यहाँ पे तीन कड़ी लिए, फिर यहाँ पे भी तीन बनाना है। सब पूरा कंप्लीट कर देंगे उसको। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको बनाना है। ये देखिए ऐसे स्क्वायर बन जाते हैं, फिर वो स्क्वायर जो ज्वाइन मार के हम आगे कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया मेरा पूरा। अब मैं यहाँ पे सिंगल कड़ी लेके उनको काट दूँगी। अब इसमें अलग अलग कलर के भी ऊन लगा सकते हैं या पूरा का पूरा एक सिंगल ऊन से भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। मैंने यहाँ पे दो कलर यूज़ किया है और अलग से किनारे बनाने के लिए तीसरा कलर यूज़ किया ताकि क्लियरली समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इनकेस ये मेरा पहला वीडियो है वॉइस ओवर का, कुछ प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ माफ़ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।